हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गणेश जी और वास्तु में क्या रिलेशन है और अकॉर्डिंग वास्तु आपको गणेश जी को किस तरीके से यूज़ करना है और गणेश जी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि शायद आपको पता भी हो सकती है और हो सकता है उसमें से कुछ बातें आपको नहीं भी पता हो। तो वो सारी ही बातें जो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों का शेयर करूँगा और गणेश जी को जो है वो डिकोड करने की कोशिश हम जो है आज की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जो भी आपके घर का मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर अगर आप गणेश जी को रखते हैं तो वो बेसिकली काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो गणेश जी हैं वो भगवान हैं, उनकी हम पूजा करते हैं और अगर आप मेन गेट पर उनको रख रहे हैं तो एज अ एक तरह से कह सकते हैं कि गार्ड या फिर जिसे बोल सकते हैं द्वारपाल है, तो द्वारपाल आप उन्हें ट्रीट कर रहे हैं और ये जो है गलत है। आपको इस तरीके का जो व्यवस्था अपने घर में नहीं बनानी है, आपको मेन गेट पर गणेश जी को नहीं रखना है। दोस्तों गणेश जी को मेन एंट्रेंस पर ना रखने का एक रीज़न ये भी है कि जब पार्वती माता नहाने गई थी और गणेश जी को द्वारपाल बना के गई थी तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था ये सब आपको पता है कि गणेश जी और शिव जी की बीच में जो है वो लड़ाई हो गई थी और गणेश जी का जो है सर अलग कर दिया था। तो इसलिए गणेश जी को जो आपको मेन एंट्रेंस पे नहीं रखना है और अगर आपको मेन एंट्रेंस पे कुछ यूज़ करने का मन है तो आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपका स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, राम हो गया, तो इस तरीके के आप सिंबल्स का यूज़ करिए और किसी भी भगवान के पोस्टर को आप मेन एंट्रेंस पर ना लगाइए। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, जो गणेश जी का जो बैक होती है, जो गणेश जी की जो पीठ होती है उसमें दरिद्रता का वास है, उसमें गरीबी है। तो अगर आप मेन गेट पे भी अगर गणेश जी को लगाते हैं तो उसकी जो बैक है वो आपके घर में होगी तो आपके घर में जो है वो दरिद्रता का वास होगा। अगर आपको गणेश जी को रखना भी है तो उनका जो मुख है वो आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, तो ये चीज़ भी जो आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों इसमें गणेश जी की जो सूंड है, एक सूंड लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, एक स्ट्रेट होती है। तो जो गणेश जी आप घर के लिए लेके आते हैं तो उसमें जो सूंड है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तो वो राइट साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो राइट साइड वाली जो मूर्ति होती है गणेश जी की उसको उसकी जो पूजा की जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। उसको करने के लिए बेसिकली जो पंडित जी हैं उन वो करते हैं उसकी पूजा और उसमें जो है पूरा विधि विधान और कह सकते हैं कि मतलब पूरा डिसिप्लिन तरीके से आपको जो है उसको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। और सिमिलर जो आपकी लेफ्ट साइड वाली जो मूर्ति होती है वो घरों के लिए बनी है, आप घर में उसे लेके आइए। उसमें बेसिकली जितने भी जो प्रोसेस है गणेश जी की पूजा करने की, जिसको कि ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं कर सकते बिना पंडित जी के, तो उसमें आप नॉर्मली अगर आप आरती करते हो और नॉर्मली फूल प्रसाद चढ़ाते हैं तो इतना भी अगर करते हैं तो वो चल जाएगा। तो उसमें जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता। तो अगर आप घर के लिए गणेश जी की मूर्ति लेके आ रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड वाली लेके आइए, लेफ्ट साइड जिसमें सूंड होती है। और अगर आप नॉर्मली जो मतलब सब लोगों के लिए है, मतलब वो प्राइवेट नहीं है, वो सब लोगों के लिए है, तो उस कंडीशन में जो गणेश जी आप राइट साइड वाली मूर्ति को लेकर आइए। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि गणेश जी को आपको अपने जो बेडरूम है उसके अंदर नहीं रखना है। और जब आप मूर्ति को लेने जाएँ तो आप बेसिकली जैसे ये उंगली को आप ऐसे करके देखिए तो ये दो जो उंगली है इसके अंदर ही जो है वो आपके गणेश जी होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होने चाहिए। अगर बाहर होते हैं तो ये गलत है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है और वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गणेश जी को जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी नहीं होनी चाहिए। तो तुलसी का भोग जो है आपको गणेश जी को नहीं लगाना है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो बेसिकली पुराणों में पढ़ी जाती है। उसमें ये बताया गया था कि एक बार क्या होता है कि तुलसी माता जा रही होती है और गणेश भगवान जो एक जगह बैठ के पूजा कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो तुलसी माता की जो दृष्टि है वो गणेश जी के ऊपर पड़ती है। तो गणेश जी को देख के वो उनके ऊपर मोहित हो जाती है और उनके सामने जो है प्रपोजल रखती है शादी का, और गणेश जी उस प्रपोजल को कर देते हैं मना। तो तुलसी माता को आ जाता है गुस्सा और गुस्से में तुलसी माता जो है वो गणेश जी को कह देती है कि आपका जो है वो
विवाह जो है वो जल्दी से नहीं होगा, और होगा भी तो दो बीवियों से होगा। तो इस कंडीशन में गणेश जी को भी जो है बहुत गुस्सा आ जाता है, और गणेश जी भी कह देते हैं कि तुम्हारा भी जो विवाह है एक राक्षस के साथ होगा। तो फिर तुलसी माता को जो है अपनी गलती का पछतावा होता है, उन्हें लगता है कि मैंने गलत कर दिया। और फिर जब वो ये सुनती हैं कि मेरी शादी राक्षस से हो जाएगी, तो वो फिर अपने जो उन्होंने उनको श्राप दिया था गणेश जी को, उसके ऊपर पछतावा करती है और उनसे क्षमा मांगती हैं। तो उस कंडीशन में गणेश जी कहते हैं कि आपका जो है वो राक्षस से ही शादी होगी, और चलो कोई बात नहीं, राक्षस शादी होगी, लेकिन राक्षस से शादी होने के बाद जो है आप एक पेड़ का रूप लेंगी और एक पौधा बनेंगी, और जो कृष्ण जी है उनको आप बहुत प्रिय होंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी विष्णु भगवान के का जो भोग लगता है उसमें बिना तुलसी के वो भोग जो है वो अपूर्ण माना जाता है। लेकिन दोस्तों गणेश जी ने साथ में ये भी कहा कि आप कृष्ण जी को तो प्रिय रहेंगे, लेकिन कलयुग में भी जो है मेरे भोग में आपका इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए जो है तुलसी का प्रयोग जो है वो गणेश जी के जो भोग है, गणेश जी का जो प्रसाद है, उसमें नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों एक स्टोरी मैं आपको और सुनाता हूँ कि जब तुलसी ने जो है गणेश जी को श्राप दिया था, तो उसके बाद जो है गणेश जी की शादी जल्दी से हो नहीं पा रही थी। ज़्यादातर उन्हें जो है रिजेक्शंस झेलने के लिए मिल रहे थे। कोई कह रहा था कि आपका जो है वो पेट बहुत मोटा है, कोई कह रहा था आपकी सूंड है हाथी जैसा फेस है, किसी ने कोई बोल रहा था कि आपका एक दांत टूटा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं गणेश जी को झेलने के लिए मिल रही थी, तो गणेश जी जो है बहुत ही गुस्से में चल रहे थे। तो और वो जो है बेसिकली जितने भी देवताओं की शादी होती थी उसके बीच में विघ्न डालते थे, उनकी शादी जो है वो जल्दी से होने नहीं देते। तो उस कंडीशन में जो देवता लोग थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने क्या करा, ब्रह्मा जी की जो दो बेटियाँ थी रिद्धि सिद्धि, वो दोनों बेटियों को लेकर के गणेश जी के पास गए, और गणेश जी को ये बोला कि आप इन दोनों मेरी बेटियों को विद्या दीजिए, इनको गाइड करिए, इनको टीच करिए। तो उस कंडीशन में गणेश जी ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उनको विद्या दी। तो जब भी जो है उनका मूषक है उसको कहीं से पता चलता था कि शादी हो रही है, और गणेश जी कहते थे कि इसकी शादी में विघ्न डालने जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिद्धि सिद्धि थी वो उनको बातों में लगा लेती थी। तो बेसिकली ब्रह्मा जी ने रिद्धि सिद्धि को गणेश जी के पास भेजा ही इसलिए था कि वो उनको बातों में लगाएं और किसी की भी शादी में जो विघ्न ना हो। तो गणेश जी को जो थोड़े टाइम बाद ये चीज़ पता चल गई, और उनको गुस्सा आता उससे पहले ही जो ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने गणेश जी के सामने प्रपोजल रख दिया कि रिद्धि सिद्धि जो मेरी दो बेटियाँ इनका विवाह नहीं हो रहा है, इनसे जो है प्लीज़ आप विवाह कर लीजिए और मेरा ये जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट करिए। तो गणेश जी ने उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट करा, और फिर गणेश जी की जो शादी है वो रिद्धि सिद्धि के साथ हो गई, और उसके बाद जो उनके दो बच्चे हुए जिनका नाम था शुभ और लाभ। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि गणेश जी को आपको कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों वास्तु में बेसिकली अलग अलग जोन्स होते हैं, तो आप जिस भी जोन में गणेश जी को रखते हैं तो वो जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि गणेश जी की पूजा जो होती है वो किसी भी चीज़ को स्टार्ट जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में जो गणेश जी की पूजा होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम श्री गणेश करते हैं किसी भी काम का, तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक किक देने के लिए, उसे पॉपअप करने के लिए जो गणेश जी को हम जो है यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम गणेश जी को रखते हैं, तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है, तो अगर हम गणेश जी को वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी। तो इस तरीके से जो जोन्स होते हैं उसमें आप गणेश जी को रख सकते हैं, लेकिन जो दो तीन जो नेगेटिव जोन्स होते हैं उस जोन में आपको गणेश जी को रखने से अवॉइड करना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो आपको किस मटीरियल की जो है वो रखनी है। तो बेसिकली मटेरियल कोई भी हो इसका कोई भी इशू नहीं है, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी गणेश जी की जो मूर्ति है वो हॉलो नहीं होनी चाहिए, वो अंदर से पूरी तरीके से सॉलिड होनी चाहिए। अब दोस्तों एक पॉइंट मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ कि गणेश जी का जो एक दांत टूटा हुआ है वो आप सबको पता है, जिसके कारण जो है उनका नाम एक दंत भी है। तो वो बेसिकली एक बार जब परशुराम से उनकी लड़ाई चल रही थी, उनके साथ उनका युद्ध चल रहा था, तो उस कंडीशन में जो उनका एक दांत टूट गया था तभी से जो है उनका नाम एक दंत के नाम से वो प्रसिद्ध है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जो गणेश जी हैं वो बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो बिज़नेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और इसका मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल दूं तो मुंबई, जिसे कि गणेश जी का सिटी भी कहा जाता है, तो वहाँ पर गणेश जी की काफ़ी पूजा होती है, और काफ़ी फेमस मंदिर जो है वो वहीं पर ही है, सिद्धि विनायक मंदिर।
तो उस मंदिर में और वहाँ के लोगों की जो है गणेश जी में इतनी आस्था है, इतना ट्रस्ट है, तो इसी कारण जो इंडिया के जो सबसे ज़्यादा जो कारोबारी हैं, सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन है, जो कि काफ़ी अमीर बिजनेसमैन है, वो मुंबई से ही बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इंडिया की जो सबसे रिच सिटी है, लगभग जो वहाँ की जो जीडीपी है लगभग 368 बिलियन डॉलर्स की है, तो ये वो भी जो है मुंबई की है। तो ये जो सारे फैक्ट है इनको भी जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गणेश जी की जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं, क्या मैसेज देते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो गणेश जी की जो आँखें होती हैं बहुत ही छोटी छोटी आँखें हैं, तो वो छोटी छोटी आँखें जो है वो कंसंट्रेशन की प्रतीक है। तो वो बेसिकली किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, उसको आँखों ही आँखों में जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे कि हमें सपोज सुई के अंदर धागा डालना है, तो सुई के अंदर जब हम धागा डालते हैं तो हमारी आँखें ऐसी हो जाती हैं छोटी छोटी सी। तो मतलब जब भी हम फोकस्ड होते हैं तो हमारी आँखें छोटी हो जाती हैं, और गणेश जी की तो पहले से ही छोटी हैं, तो वो ये चीज़ डिनोट करती हैं, ये चीज़ इंडिकेट करती हैं कि आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए, हमेशा कंसंट्रेशन आपकी जो है वो रहनी चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट उनका जो सर है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो सोच है वो काफ़ी बड़ी रखनी चाहिए, अपनी जो सोच है वो छोटी नहीं रखनी चाहिए। फिर दोस्तों उनकी जो सूंड होती है वो काफ़ी लंबी होती है, दूर से ही जो है वो हर चीज़ों को जो है वो सूंघ लेती है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपका जो विज़न है वो लॉन्ग विज़न रहना चाहिए, और आपको जो भी काम करना चाहिए वो दूर दृष्टि के हिसाब से करना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो है वो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट उनके जो कान है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपको सुनना ज़्यादा चाहिए बजाय कि बोलने के। दोस्तों इस तरीके से गणेश जी का सीज़न आजकल चल रहा था, तो मैंने सोचा कि गणेश जी की से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वास्तु के रिगार्डिंग हो गई, गणेश जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अंत में गणेशाय नमः, जय हिंद, वंदे मातरम।